ये नलवा में कोई खिलाफत है आपकी? नहीं नहीं, आप देखिए जाकर के नलवा में जो हमने कार्य किया, खिलाफत होती तो मेरे को लगातार जिताते कैसे? मैं भी सोच तो लगातार जिताने का काम किया है जी, आप खिलाफत की बात नहीं कह सकते। नलवा में अभी जो पनिहार साहब को टिकट मिली है, क्या व्यक्तित्व है, कैसे वो उम्मीदवार हैं, किस तरीके से आप उनकी मदद कर पाएंगे? देखिए नलवा में हमारा संगठन मजबूत है और जो संगठन के लोग होते हैं पार्टी से जुड़े हुए वो निश्चित तौर पर कमल का फूल जो भी लेकर के आता है उसकी मदद करते हैं। हिसार को जो हम देख रहे हैं, कमल गुप्ता जी को दोबारा से टिकट मिल गई, खबरें उससे पहले ये चल रही थी कि सावित्री जिंदल को या नवीन जिंदल की वाइफ को टिकट मिल सकती है, उनको टिकट नहीं मिली। अब वो खुद सावित्री जी कह रहे हैं, सुनने में जो आया है कि भाई मैं तो इलेक्शन लड़ूंगी। चुनाव का समय है, चुनाव के समय में खबरें चलती रहती है। बरवाड़ा में क्या आपको लगता है कि भाई बरवाड़ा में किस चीज़ की जरूरत है, क्या कह के आप वोट मांगेंगे? बरवाड़ा में क्या चीज़ हुई नहीं, आपने कितना माहौल वहाँ का देखा है? मैंने देखा है जाकर के जो कुछ है, जो अनुपुर रोड कॉलोनियाँ है जो शहर के अंदर ही हैं और अनुपुर रोड के नाम पे उनके डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, सीवर पानी की दिक्कत है कई जगह पे। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम भाई, खास इंटरव्यू है, रणबीर सिंह गंगवा जी हमारे साथ हैं, डिप्टी स्पीकर। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। नलवा से आपने इलेक्शन लड़ा और एक तरफा जीत रही, अब बरवाड़ा से इलेक्शन की तरफ तैयारियां हैं आपकी? पहले तो कुछ लोग नलवा से नाराज होंगे, वो आपने मनाए होंगे, अब बरवाड़ा में गए हैं तो वहाँ पे कुछ लोग नाराज होंगे, वो मनाने पड़ेंगे, समय थोड़ा है, कैसे सारी मैनेजमेंट करोगे? देखिए ठीक कहा आपने, पहले मैंने नलवा से चुनाव लड़ा जी और ना ही कोई नलवा में मेरे से नाराज था। नलवा तो एक मेरे परिवार की तरीके से है, क्योंकि लंबे समय से मैंने चुनाव लड़े हैं यहाँ। और जहाँ तक बरवाड़ा की बात है कि बरवाड़ा में अब तक कमल नहीं खिला था और पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि वहाँ कमल खिलाना है, तो मैं तमाम कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जो पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। और जिस तरीके से आज बरवाड़ा के अंदर जब से मेरी वहाँ की कोई चर्चा हुई है तब से जिस तरीके से लोगों के जिस जोश से फ़ोन आ रहे हैं और लोगों के कार्यकर्ताओं के जो चेहरे की रौनक है, बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर हम वहाँ कमल खिलाने का काम करेंगे। विधायक जी, मैं जींद के विधायक को देख रहा हूँ, हंसी के विधायक को, आपके हिसार के विधायक को, वो जीत रहे हैं और फिर उनको वहीं से टिकट मिल रही है, आप जीतने के बाद हल्का छोड़ रहे हैं? नहीं, हल्का छोड़ने की बात नहीं है, पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी का निर्णय इसलिए भी है कि क्योंकि वहाँ पहले जो है कमल खिला नहीं है, तो कमल खिलाना है तो किसी भी नेता को जिम्मेदारी दी जाती है जी, और ये जिम्मेदारी मुझे दी है तो निश्चित तौर पर उसको पूरा करने का काम करेंगे। ये नलवा में कोई खिलाफत है आपकी? नहीं नहीं, आप देखिए जाकर के नलवा में जो हमने कार्य किया, खिलाफत होती तो मेरे को लगातार जिताते कैसे? मैं भी सोच तो लगातार जिताने का काम किया है जी, आप खिलाफत की बात नहीं कह सकते। लेकिन जो हमने का जो कहा वो करके दिखाया, अभी आप कैमरे रोड पर आए होंगे, देखा होगा किस तरीके से पहले था किस तरीके से आज है, बहुत फर्क हो गया जी। जी तो यूँ लगा है कि भाई आपके कोई आपत्तिजनक बयान नहीं रहे, आप किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, सॉफ्ट हार्टेड हैं, स्माइली फेस है, ठीक आप काम कर रहे थे, तो लोगों के दिमाग में संशय जरूर है भाई नलवा इनका छुड़वा दिया, बरवाड़ा में शायद नलवा में कोई खिलाफत हुई होगी। नहीं नहीं, मेरी कोई खिलाफत नहीं हुई, मैंने कहा कि नलवा तो मेरा एक परिवार के तरीके से है और पार्टी जिम्मेवारियाँ लगाती है, पार्टी ने जो जिम्मेवारी लगाई है उसको हम पूर्ण रूप से निभाएंगे। और निश्चित तौर पर आज आप देख जा कर के आप देखें, लोगों से पूछिए बरवाड़ा के अंदर किस तरीके से लोग आज उमड़ के आ रहे हैं। आज हमारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी है जी, 11 बजे जो राजमहल वेंकट है उसके अंदर हमने रखी है, आप आइए, आप स्वयं देखिए, लोगों से पूछिए। नलवा में अभी जो पनिहार साहब को टिकट मिली है, क्या व्यक्तित्व है, कैसे वो उम्मीदवार हैं, किस तरीके से आप उनकी मदद कर पाएंगे? देखिए नलवा में हमारा संगठन मजबूत है और जो संगठन के लोग होते हैं पार्टी से जुड़े हुए वो निश्चित तौर पर कमल का फूल जो भी लेकर के आता है उसकी मदद करते हैं और वो वहाँ करेंगे। कमल ऑलरेडी जो नलवा के अंदर खिला हुआ है उसको लोग बरकरार रखेंगे और बरवाड़ा के अंदर भी नया जो कलम जो कमल जो है वो खिलाने का काम करेंगे। बरवाड़ा में 2019 में एक गर्दन काटने वाला मामला उठा था हर्षमोहन भारद्वाज जी, और वहाँ से पुनिया साहब भी टिकट की मांग कर रहे थे, क्या उन सब से बातचीत हुई है आपकी,
1% अगर कोई नाराज हो, उनसे कोई बातचीत हो, और जो लोग थे टिकट मांगने वाले, क्या उनसे मुलाकात हुई है? भाई ठीक है, इकट्ठे देखिए, हम सारे टोटली जितने भी टिकटार्थी थे उनसे सबसे बात हो गई और सारे हम एकजुट होकर के चुनाव अब जो है लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये चुनाव जीतने का काम करेंगे। आप नलवा में ऐसे आपने कौन से काम करवाए जो काफ़ी लंबे समय से हुए नहीं थे, उसका क्रेडिट आप लेना चाहे, क्रेडिट के बेस पे पनिहारी साहब उसमें जीत लें और पनिहारी साहब को थोड़ा सा इजी इलेक्शन रहे, ऐसे कौन से? देखिए, आज इजी की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 10 साल से कार्य किए हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ, आज वो सारे धरातल के ऊपर है। युवाओं के अंदर विश्वास पैदा करने का काम किया है, ट्रांसपेरेंसी से राज्य चलाने का काम किया है। आज माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और ये सारी चीज़ें जो जो उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के उनके पक्ष में जाती है। जहाँ तक नड़वा के आपने कही, हमने चाहे नहरों की रिमॉडलिंग की बात हो, चाहे जल जीवन मिशन के तहत नई पाइपलाइन बिछाने की बात हो, चाहे नए वाटर वर्क्स बनाने की बात हो, और चाहे आप ये जो रोड्स की बात हो, आपने कैम रोड देखा होगा, हमने नड़वा के अंदर भी कॉलेज बनाने का काम किया है, 3-3 स्कूल अपग्रेड जो है वो कराए, संस्कृति मॉडल स्कूल, गंगवा में PM-3 स्कूल बनाने का काम किया। बहुत से कार्य हैं जो लोगों से हमने कहे, जो लोगों ने नहीं कहे थे वो भी हमने कराने का काम किया। अभी हिसार को जो हम देख रहे हैं, कमल गुप्ता जी को दोबारा से टिकट मिल गई, खबरें उससे पहले ये चल रही थी कि सावित्री जिंदल को या नवीन जिंदल की वाइफ को टिकट मिल सकती है, उनको टिकट नहीं मिली। अब वो खुद सावित्री जी कह रहे हैं, सुनने में जो आया है कि भाई मैं तो इलेक्शन लड़ूंगी। चुनाव का समय है, चुनाव के समय में खबरें चलती रहती है। और दूसरा ये हाँ, जो देखिए टिकट एक होती है और लड़ने वालों की इच्छा कई लोगों की भी हो सकती है, लेकिन टिकट बटने से पहले डिमांड करना ठीक है कि डिमांड करे कोई भी, हर किसी का अधिकार है, लेकिन जब टिकट बट जाती है तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के लगते हैं, एक बार थोड़ी बहुत नाराजगी दिखाते हैं, उसके बाद में बातचीत करके उसको मना लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ऐसा? देखिए, मैं मुझे उम्मीद है कि जैसे डॉक्टर साहब भी कल गए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, तो आशीर्वाद देने के बाद में निश्चित तौर पर जो है वो मदद करने का काम करेंगे। बरवाड़ा में क्या आपको लगता है कि भाई बरवाड़ा में किस चीज़ की जरूरत है, क्या कह के आप वोट मांगेंगे? बरवाड़ा में क्या चीज़ हुई नहीं, आपने कितना माहौल वहाँ का देखा है? मैंने देखा है जाकर के, जो कुछ है का जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ है जो शहर के अंदर ही हैं, और अनअप्रूव्ड के नाम पे उनके डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, सीवर पानी की दिक्कत है कई जगह पे, और जो जो और समस्याएं जो लोग बताने का काम करेंगे उनको हम प्राथमिकता के आधार पर दूर करेंगे, विकास कार्य में जो है गति लाने का काम हम करेंगे। कोई टफ टारगेट आपको लगता है भाई ये बड़ा मुश्किल टफ टारगेट है? टफ टारगेट कोई भी कुछ भी नहीं होता, और जहाँ तक चुनाव की बात होती है वो तो प्रजातंत्र के अंदर जनता तय करती है, और उसके बाद में सरकार के लिए कोई भी काम जो है कोई मुश्किल नहीं होता, काम कराए जाते हैं। हिसार से रणजीत सिंह चौटाला जी इलेक्शन लड़े, अब वो बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं टिकट उनको मिली नहीं। अब अलग अलग जगह से जो 67 उम्मीदवार आपने उतारे उनमें बहुत सारी जगह लोग बगावत पे उतर आए, उसी प्रकार से कांग्रेस में भी ये सुनने में आ रहे 2900 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो उनकी स्थिति क्या होगी? आप उसको वही पॉजिटिव सोच रहे होंगे तो आप ये तो हमारे वाले तो मान जाएंगे जी, जो भी हम मना लेंगे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जी, लेकिन कांग्रेस की हालत अभी देखना आप, वो तो टिकट तय नहीं कर पा रहे। यही प्लस पॉइंट है आपके पास मेरे? यही नहीं, हमने तो विकास कार्यों की बात की, हम लोगों के बीच में जाएंगे जी, तो कांग्रेस से हमें कोई चिंता नहीं होती, एक दूसरे को खुद निपटाने का काम कर देंगे। हम तो जो 10 साल तक ट्रांसपेरेंसी से सरकार चलाई, जो विकास कार्य करवाए बिना भेदभाव के कार्य किए, उनको लेकर के हम जाएंगे। तो कितनी, अगर इन 67 की बात करें तो कितनी आपको लग रही है 67 में सीटें आ जाएंगी आपकी? मुझे 67 का पता नहीं, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता ये तय कर चुकी है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी, और नायब सैनी जी ने जिस तरीके से पहले मनोहर लाल जी ने 10 साल तक ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चलाया, और अब केवल 2 महीने नायब सैनी जी को मिले थे, और इन 2 महीनों के अंदर उन्होंने जिस तरीके के ऐतिहासिक फैसले लेने का काम किया है, उनको लागू करने का काम किया है, प्रदेश की जनता का दिल जीतने का काम किया है, और प्रदेश की जनता उनको तीसरी बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी
का मुखिया बनाते हुए इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार प्रदेश में आएगी। लगभग कितनी सीटें आ जाएंगी? पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। दुष्यंत की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको? किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित तौर पर इस बार हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आखिरी सवाल, और कौन से आपके पास ऐसे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, या बड़े षड्यंत्र तो नहीं कहूँगा, बड़े चाल आपके पास कौन सी हैं जो भी अभी खेलना बाकी है? अभी हमारे पास चाल की बात नहीं है। आज जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश का नेतृत्व किया है, देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने ट्रांसपेरेंसी के आधार पर सरकार चलाने का काम किया है, इससे प्रभावित होकर के और जो लोग हैं, काफ़ी लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज जो है शामिल हो रहे हैं और उससे प्रभावित होकर के, और अच्छे लोग कहीं भी किसी भी पार्टी में हो आए उनका स्वागत है। बरवाड़ा के कोई महाराज भी थे जो पार्टी छोड़ गए, क्या वो नाराज हो गए? कहा कि जैसे भी कोई पार्टी चुनाव लड़ने की इच्छाएं सबकी होती है, टिकट एक होती है, ज़्यादा नहीं होती, हम अपने कार्यकर्ताओं को मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ऑडियो भी कोई वायरल हुई, उसमें आपका चर्चा है कि आपकी है वो, मेरा तो मेरे नेचर में नहीं से, मैंने भी देखी थी। अभी तो ये चुनाव का समय, चुनाव में तो कई ऑडियो हो सकता है, और चलेंगी कई ऑडियो और भी आ सकती है। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। ये हमारे रणबीर गंगवा जी, बड़े सॉफ्ट हार्टेड है यार, और कोई कंट्रोवर्सी आज तक रहे नहीं। आपके बरवाड़ा सीट का बारे में आपका क्या कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।